वहीं टीम इंडिया आज पाकिस्तान के खिलाफ एक हाई प्रोफाइल मुकाबले से T20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। शाम 7:30 बजे से दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई प्रोफाइल मैच खेला जाएगा। भारत आज तक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान से कभी हारा नहीं है। आज के मैच में भारत पर यह रिकॉर्ड बचाने का भी दबाव होगा। हालांकि आज होने वाले मुकाबले में भी भारत का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले विराट कोहली ने भी कहा है कि वह अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। तो वहीं वर्ल्ड कप के मुकाबले शुरू होने से पहले ही कोहली ने साफ कर दिया था कि रोहित शर्मा और केएल राहुल भारत के लिए पारी की शुरुआत करेंगे। आज के मैच की बात करें तो इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच 5 बार टक्कर हुई है और हर बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। चलिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफ। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान कब आमने सामने आए, 2007 की बात है। बॉल आउट में पाकिस्तान को हराया, फाइनल में हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता 2007 की बात। फिर उसके बाद 2012 की बात करें तो पाकिस्तान को 8 विकेट से पटखनी दी गई। फिर उसके बाद 2014 के इस मुकाबले की बात करें तो 7 विकेट से पाकिस्तान को मात दी गई। फिर 2016 में पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी गई। तो T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान कब आमने सामने आए और किस तरीके से प्रदर्शन रहा, यह हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है, जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ है, भारत कभी हारा नहीं है। और आज इस रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए भारत पर दबाव होगा, इस बात में कोई दोराय नहीं है। तो विराट कोहली ने साफ कर दिया था कि रोहित शर्मा और केएल राहुल भारत के लिए पारी की शुरुआत करेंगे। तो आज के मैच की बात करें तो इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच 5 बार टक्कर हुई है और हर बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। आंकड़ों के जरिए समझिए,